बालाजी घर मारा बाबा गो बालाजी गोविंद निवास रे माई मंदिर माने प्यारो घणो लागे वो हरे मारा बाबा बालाजी गोविंद निवास रे माई मंदिर माने चारो घणो लागे दो हरे गोविंद निवास माई आप विराजो गोविंद निवास माई आप विराजो गोविंद निवास माई आप विराजो सब भगतारा दुखड़ा काटो हो बालाजी हरे मारा बाबा हो बालाजी लाल नोटा वाला मन तो गणा प्यारा लागो बेटा बेटा और जो भी कहा है कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं और बालाजी महाराज के भजन पे ताली वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में कुछ दम होते हैं। एक बार बिल्कुल सीधे सीधे हाथ उठाएं जो भी बालाजी महाराज के भगत हैं अपने दोनों हाथ को बिल्कुल सीधे सीधे लंबे लंबे क्यों हाथ में घड़ा कर न बैठना बिल्कुल। अगर अपना फोन में नेटवर्क ना हो फोन में टावर ना हो तो फोन में लंबो खराग न करा ऐसा नहीं अपनी जिंदगी में टावर ना पागल है। बालाजी महाराज का चरणों में वंदना करनी है एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधा सीधा उठा बालाजी महाराज जगह हाथ ऊपर कोने वहां देख लीजिए आप। हाँ अटी ने माता बहन बिल्कुल कैमरे वाले भैया से निवेदन करूंगा कैमरा पीछे करें एकदम बिल्कुल कैमरा पीछा ले ये सरजी वाले बिल्कुल आपकी ये हाथों की लकीरें कैमरे में कैद होनी चाहिए एक साल बाद भी अपन देखें तो आपकी हाथों की लकीरें मिले। अपने गोविंद निवास के बालाजी महाराज का पवन दरबार है इसलिए लंबे लंबे हाथ उठा कर बोले बालाजी महाराज की और बड़ी बड़ी ताली के साथ हो बालाजी हरे मारा बाबा हो बालाजी गोविंद निवास रे माई मंदिर माने घणो प्यारो लागे वो लागे लागे जोरदार ताली बजे एक बार मंच पे आ जाएं आप बिल्कुल मंच पे आ जाएं आपने बालाजी महाराज की कसम है एक बार आ जाएं क्या बात है
देखो आप इनकी भावना देखो, क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए ना भविष्य बेड़ा पार है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया के लिए। रूपाला जी हमारा बाबा, रूपाला जी बाला जी गोविंद निवास रे माई मंदिर माने भूत रो लागे वो हो। बाला जी महाराज की और